शहर की पुरानी बस्तियों में टूटी सड़कों, शुद्ध पेयजल की किल्लत, बिजली के लो वोल्टेज, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, नगरीय सीमा में शामिल नए इलाकों में अभी तक शहरी सुविधाओं की उपलब्धता न होने जैसे तमाम समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन की अगुवाई में आज सपा नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सुबह सपा के सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाजपा सरकार को जमकर कोसा। देंगे जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर विगत 9 अगस्त 2023 से शहर के तीनों विधानसभा क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी में लगातार जनसमस्याएं आयोजित की गयी। इस दौरान आम लोगों को रूबरू होकर जन समस्याओं की जानकारी जुटाई गई। शहर के पुरानी आबादी के साथ नई बस्तियों ने लोगों ने भाजपा शासन काल में उत्पन्न जिन समस्याओं को बताया उनमें कुछ प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। इसके साथ ही विधानसभा वार समस्याएं भी इस ज्ञापन के साथ संलग्न है। यह कि शहर की लगभग सभी पुरानी आबादियों में सड़कें टूटी एवं गड्ढा में तब्दील हो चुकी है। यह कि इन मोहल्लों में शुद्ध पेयजल की आज भी किल्लत है। अक्सर पाइपलाइन टूटने से सड़क की पर पानी भर जाता है और फिर वही गंदा पानी आबादी में सप्लाई होता रहता है। नगर निगम में शिकायतों के बाद भी कई दिन तक समस्या बनी रहती है। यह कि पूरे शहर में बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्या। महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विगत 9 अगस्त से लगातार शहर की तीनों विधानसभाओं में जन पंचायतें आयोजित की गईं। लोगों में भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर काफी आक्रोश है। जनता सपा सरकार में भी अखिलेश यादव द्वारा कराए गए जनहित के कार्यों को आज भी याद कर रहे हैं। जनता से जुड़ी समस्याओं को इस ज्ञापन के माध्यम से सौंपा जा रहा है जिसके शीघ्र निस्तारण न होने पर समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज हम लोग समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो विगत 9 अगस्त 2023 को शहर के तीनों विधानसभा शहर उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी में सेक्टर प्रभारी स्तर पर जन पंचायत आयोजित की। इस दौरान आम लोगों से रूबरू हुए, उनकी जन समस्याओं की जानकारी प्राप्त करी और जन समस्याओं की बैठक हम लोगों ने की और पूरा समस्या को लेकर उसी मुद्दे पर श्रीमान जिलाधिकारी प्रयागराज को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के माध्यम से जो हमारी समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, सड़क नाली, सड़क से लेकर बिजली, गृहकर, टैक्स, तमाम मुद्दों पर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया इसका निस्तारण जल्द से जल्द करने नहीं हम समाजवादी आंदोलन को बाध्य होंगे।